भाई। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूँ जो उसे ला सकता हूँ। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं फिल्मी मार्ट। दोस्तों, पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 एडी को आज सिनेमाघरों में 15 दिन हो चुके हैं और इन 15 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर के अंदर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिल्म कल्कि 2898 एडी के 15 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि इन 15 दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ रुपए की कमाई की है। साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा और कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फिल्म इंडियन 2 की, तो इस हफ्ते रिलीज होने जा रही है पैन इंडिया फिल्म इंडियन 2, जिसे डायरेक्ट किया है एस शंकर ने। बता दें कि यह फिल्म इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म होने वाली है और सही मायने में देखा जाए तो ये तमिल सिनेमा की इस साल की रिलीज होने वाली पहली बड़ी फिल्म भी है। इसी कारण फिल्म को कहीं ना कहीं जो हाइप है वो काफी अच्छी बनी हुई है, जिसकी वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग जो कलेक्शन है वो काफी ऐतिहासिक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन 2 में हमें कमल हासन सर के साथ नजर आएंगे सिद्धार्थ, काजल अग्रवाल और रकुलप्रीत सिंह। दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म कल 12 जुलाई को रिलीज होने जा रही है, मतलब इस फिल्म के रिलीज में अभी कुछ ही घंटों का समय बचा है। लेकिन इस फिल्म ने रिलीज होने के एक दिन पहले ही एडवांस बुकिंग में काफी तगड़ी कमाई कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ 5 भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज होने जा रही है। तो 5 भाषाओं का जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो पूरी तरह से सॉलिड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस फिल्म का ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग कलेक्शन है वो सभी भाषाओं में 12 करोड़ और 70 लाख रुपए का हो चुका है। वहीं फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी विदेशों से 10 करोड़ और 10 लाख रुपए की बुकिंग की है। इसी के साथ दोस्तों, इंडियन 2 का जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो होता है 22 करोड़ और 80 लाख रुपए का। जी हाँ दोस्तों, फिल्म कल दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 22 करोड़ और 80 लाख रुपए की शानदार कमाई कर ली है। अब देखते हैं कि कल इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितने करोड़ रुपए की ओपनिंग मिलती है। वहीं दोस्तों, अब बात करें बॉलीवुड के खिलाड़ी सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा के बारे में। तो दोस्तों, अक्षय कुमार के लिए यह साल कोई खास साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल उनकी पहली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। लेकिन अक्षय कुमार ने अगली फिल्म रिलीज होने वाली है सरफिरा, जो कि रिलीज होगी कल, और इस फिल्म के रिलीज में भी सिर्फ अभी कुछ घंटे का समय बाकी है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ घंटे बाद रिलीज होने वाली फिल्म की एडवांस बुकिंग में अभी तक जो रिस्पॉन्स मिला है वो पूरी तरह से ठंडा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अक्षय कुमार, परेश रावल और राधिका मदान की फिल्म सरफिरा, जो कि एक तमिल मूवी सोरा राय पुत्रों का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की अगर बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, सरफिरा फिल्म के फर्स्ट डे के जो एडवांस बुकिंग है ऑल इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ 63 लाख रुपए की हो पाई है। वहीं दोस्तों, बता दें कि फिल्म की जो वीकेंड की एडवांस बुकिंग है यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार की 3 दिनों के एडवांस बुकिंग इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ और 25 लाख रुपए की हो पाई है। तो दोस्तों, फिल्म की एडवांस बुकिंग तो काफी स्लो है, लेकिन अब देखते हैं कि फिल्म जब कल रिलीज होगी तो ओपनिंग कितनी मिलती है। लेकिन दोस्तों, अब बात करें इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2898 एडी के बारे में। तो इस फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन ने किया था। फिल्म में हमें देखने को मिले थे प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दिशा पाटनी और दीपिका पादुकोण। बता दें कि 27 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को सिनेमाघरों में अब 15 दिन पूरे हो चुके हैं और 15 दिनों के अंदर बॉक्स ऑफिस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। हालांकि दोस्तों, अब इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो आज तक तो काफी बढ़िया रहे, लेकिन कल बॉलीवुड में सरफिरा फिल्म रिलीज हो जाएगी और पैन इंडिया फिल्म इंडियन 2 भी रिलीज हो जाएगी, जिसके कारण इस फिल्म की जो स्क्रीन है उनको काफी कम कर दिया जाएगा, जिसके कारण इस फिल्म के कलेक्शन में कल एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बता दें कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ 5 भाषाओं में रिलीज हुई यह फिल्म अभी तक काफी शानदार कमाई कर चुकी है। अगर बात करें फिल्म के 15 दिनों के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने अपने शुरुआती 10 दिन में दुनिया भर से 858 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने 11वें दिन 65 करोड़ रुपए कमाए
बात करें 12वें दिन की तो 12वें दिन फिल्म का कलेक्शन 24 करोड़ रुपए का रहा था। 13वें दिन फिल्म ने दुनिया भर से 19 करोड़ रुपए कमाए, वहीं 14वें दिन 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अब बात करें फिल्म के 15वें दिन यानी आज की, तो आज भी यह फिल्म दुनिया भर से 5 भाषाओं में 10 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों फिल्म कल की 2898 एडी का 15 दिनों का जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो होता है 997 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने 15 दिन में 1000 करोड़ रुपए के आंकड़े को लगभग टच कर लिया है। अब देखना यह होगा कि कल से जब बॉलीवुड की फिल्म सरफिरा और इंडियन 2 रिलीज होंगी तो यह फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है और अपने लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कितना और इजाफा कर पाती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही डेली बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।